तो हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हमारे पास ये होंडा साइन बाइक आई हुई है और जिसमें हम फुल इंजन का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करके दिखा देते हैं इसका साउंड और कितना धुआं दे रहा है ये। तो जब भी हमारा बाइक धुआं देता है तो तभी हमें इंजन खोलने की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो हालांकि इसका इंजन पहले एक बार बन चुका है, अब हमें किस तरीके से बनाना है और इसका आवाज़ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आवाज़ है। तो गाइस, जब भी हम इंजन बनाते हैं क्या होता है, हमारा एक साल या पाँच महीना छः महीना में धुआं दे देता है या हमारा इंजन का आवाज़ फिर उसी तरीके से हो जाता है। तो किस तरीके से हमें इंजन बनाना चाहिए जो कि हमारा आवाज़ भी मस्त रहे और पिकअप हर एक चीज़ मस्त रहे और धुआँ भी ना दे और दो साल तीन साल हमारा बाइक आराम से जाए। तो इसके लिए गाइज हम इसका हेड सिलेंडर ओपन करेंगे और फिर हमें करंट देखना है और इसी के साथ साथ हम क्लच प्लेट ये सब इतना चीज़ हम चेक करेंगे और कौन कौन सा पार्ट्स हमें डालना है जो कि हमारा इंजन का लाइफ ज़्यादा बना रहे। तो चलिए गाइज हम वीडियो शुरू करते हैं और फिर इसे खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो आवाज़ आप अभी सुन सकते हैं इसका किस तरीके से आवाज़ है। धुआं गाइज बहुत ही ज़्यादा धुआं दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो कौन कौन सा पार्ट्स डालेंगे ओरिजिनल और कितना हमें पार्ट्स डालना है, कितना खर्चा आएगा, तो पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूँ गाइज। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हमने इसका हेड सिलेंडर निकाल दिया और नीचे देख सकते गाइज इसका एक बार हाफ इंजन बन चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं इसका पैकिंग का क्या हालात है, स्थिति है। तो इसमें जो है रिजी बॉन्ड दिया गया है, तो यहाँ पे इस पैकिंग में हमें रिजी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना होता है और यहाँ पे रिजी बॉन्ड का इस्तेमाल किया है तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा इंजन ऑयल जो ऊपर जाता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरा रिजी बॉन्ड के कारण ये पूरा जाम हो चुका है, भर चुका है। तो इस तरीके से हम गलती करते हैं और इस गलती का भुगतान हमारे गाड़ी वाले भाई साहब को भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप रिजी बॉन्ड डालते हैं तो इस पैकिंग में हमें रिजी बॉन्ड डालना चाहिए, इस वाले में, और इस वाले में हमें रिजी बॉन्ड कभी भी नहीं डालना चाहिए। और अगर कोई सा भी बाइक हो तो यहाँ पर हमें रिजी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए गाइस, जब हम इसका बताएंगे कौन कौन सा हमें पार्ट्स चेंज करना है और इसका कनेक्टिंग की अगर बात करें तो ये चीज़ हमारा ठीक ठाक है, चलने के लायक बढ़िया है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही हल्का पले है तो ये चीज़ हमारा चल जाएगा। तो हमने पूरा इंजन को ओपन किया है, हाफ इंजन ओपन किया है और इसी के साथ साथ सबसे पहले हम पिस्टन देखेंगे जो कि इसका पिस्टन 25 नंबर का बोर है पहले से। और पिस्टन में गाइज इसका सीज भी हुआ है, आप ये देख सकते हैं। जैसे अगर हम मोबिल पे ध्यान नहीं देते, कभी हम मोबिल ज़्यादा चला देते हैं इंजन ऑयल, उसके कारण से क्या होता है, हमारा इंजन ऑयल सूख जाता है और सूखने के कारण से हमारा पिस्टन सूखा चलने लगता है जो कि इस तरीके का सीज होता है। और सीज करने के बाद हमारा क्या होता है, गाड़ी आवाज़ सही नहीं होता है, वाइब्रेट करने लगता है और सारा बहुत सारा समस्या होता है, इंजन ऑयल कम होने लगता है, धुआँ देने लगता है। तो इसमें गाइज हम फिलहाल पूरा फुल सिलेंडर किट डालने वाला है जो कि होंडा का ओरिजिनल किट होगा। और इसी के साथ साथ हमारा ये हेड है जिसका आप वाल्व देख सकते हैं गाइज कितना ज़्यादा ये चीज़ गड्ढा हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाल्व हम पूरा चेंज करेंगे और इसी के साथ साथ जो हमारा गाइड आता है उसे भी हम देखेंगे, अगर ख़राब होगा तो वो चीज़ हम चेंज करवाएँगे। तो दोनों वाल्व का वही हालात है, देख सकते हैं आप। तो हेड में गाइज हमें वाल्व नया देना है और इसी के साथ साथ हमें गाइड को भी चेक करना है। तो ये हमारा दो काम हो गया और इसी के साथ साथ हमने क्लच प्लेट और ये क्लच कटोरा हमने खोला है। इसमें गाइज हमारा क्या है,
ये चीज़ पले है, आप देख सकते हैं ये चीज़ कितना ज़्यादा पले है। तो ये अगर पले रहेगा हमारा तो क्या होगा, गाड़ी जब भी हम रेस देते हैं या बढ़ाते हैं तो हमारा झटका सा महसूस होता है और हमारा उस तरीके से हमें अच्छा नहीं लगता है चलाने में, कुछ अजीब ही आवाज़ आता है इसका। तो इसके अंदर हमारा रबड़ होता है जो कि वो रबड़ हम लगवाएंगे और जिनके कारण से हम बाइक जैसे पिकअप देंगे वैसे ही हमारा गाड़ी स्पीड चलने लगेगा। और इसी के साथ साथ हमारा ये हब है जो कि ये चीज़ भी कट चुका है, इसे भी हम चेंज करेंगे। और ये सेंटर का भी वही हाल है। और इसी के साथ साथ हमारा जो प्रेशर प्लेट है ये चीज़ भी हमारा हम चेंज करेंगे। हालांकि ये चीज़ ज़्यादा जैसे हमारा बाइक अगर 40,000 चल जाता है तो क्या होता है गाइस, हमें ये चीज़ चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कभी हम ये भी कहते हैं कि नहीं भी चेंज करते हैं, तो इसमें हालांकि ख़राब होने का ज़्यादातर हमें पता नहीं चलता है, पर इसे चेंज कर देने में ही ज़्यादातर बेहतर रहता है। अगर हमारा 40,000-35,000 चल जाने के बाद ये चीज़ हमें चेंज कर ही देना चाहिए। और इसी के साथ साथ गाइज हम GPT पिनियन डालेंगे और टाइमिंग चेन डालेंगे। चलिए गाइज अब हम ये सारा काम करवाएंगे और सामान फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमें फिटिंग करना होता है। तो हमने गाइज इसमें क्लच प्लेट डाल रहे हैं जो कि हमारा ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा ये प्रेशर प्लेट है जो कि ये भी हमारा ओरिजिनल है। और फिर हमारा सेंटर है और हब है जो कि ये सब भी ओरिजिनल है। और इसी के साथ साथ हमने इसमें इस हाउसिंग में रबड़ लगवाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कटिंग का निशान भी है। अब ये ज़रा सा भी साइड पले ना ऊपर नीचे कोई किधर भी पले नहीं है। और इसी के साथ साथ हमने वाल्व लगवाया और इसमें वाइल सील डाला है और पिस्टन और सिलेंडर जो कि ये हमारा ब्लॉक किट पूरा नया है और ये भी ओरिजिनल है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा ओरिजिनल का। अगर आप इतना पार्ट्स बाइक में लगवाते हैं तो आपका इंजन का लाइफ बन जाता है हमारा और हमें चलाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसे फिट करेंगे और फिर दिखाएंगे किस तरीके से फिट किया जाता है। तो हमारे पास पिस्टन जो है हमने इसमें रिंग इंस्टॉल कर दिया है और रिंग का जो गैपिंग रखा है हमने टॉप वन वाले का यहाँ पे रखा है जो हमारा यहाँ इन का निशान आप देख रहे हैं ऊपर, तो इसे हमने साइड में रखा है। और टॉप टू वाला जो होता है उसे हमने यहाँ पे रखा है और पतला वाला जो रिंग है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस तरीके से हमने इसका गैपिंग रखा है। और इस तरीके से अगर आप भी रखते हैं तो अच्छा, हमारा जल्दी धुआं नहीं देगा। तो चलिए गाइस अब हम इसमें इंजन ऑयल थोड़ा डालेंगे और फिर हम इसे फिट करेंगे और फिर दिखाते हैं आपको किस तरीके से रिंग पिस्टन फिट किया जाता है। तो हमने पिस्टन का पिन वो चीज़ लगा के लॉक भी लगा दिया, अब हमें सिलेंडर लगाना है। और पिस्टन जब भी रखे तो इन का निशान जो हमारा ऊपर होना चाहिए इन का निशान, तो इसका रिंग जो होता है गाइज नीचे वाला बहुत ही पतला होता है, उसे हमें अच्छे से लगाना होता है आराम से। ऐसा नहीं कि अगर हम जल्दीबाजी डाल दें तो क्या होता है हमारा नीचे का रिंग भी मुड़ सकता है। वीडियो तो हमने सिलेंडर पूरा पिस्टन को सिलेंडर में सेटिंग कर दिया है, अब हमें यहाँ से चला के भी देखना है। तो इस तरीके से हमें चला के चेक कर लेना चाहिए। अब हम गाइज इसमें ऊपर वाला पैकिंग लगाएंगे और फिर हेड को सेटिंग करेंगे।
तो टाइमिंग चेन का बोल्ट हमने लगा दिया है। अब यहाँ से जो हमारा एडजस्टर होता है जो टाइमिंग चेन को टाइट करता है उसे हमें टाइट करना है। तो इस तरीके से हमें एक पिन लेना है और टाइट कर देना है, और हमारा चेन भी टाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब गाइज हमें टैपिट सेट करना है, तो टैपिट अभी हमारा टाइट है तो इसे हमें साइड पहले रखना है, और फिर जब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा खुद ही ये थोड़ा पहले और ज़्यादा हो जाएगा। बस हमें साइड पहले रखना है, ऊपर नीचे का पहले नहीं रखना है। तो दोनों को हमने उसी तरीके से सेट किया है। तो अब हम क्लच सेटिंग करेंगे, और सबसे पहले हमने GTP पिनियन को लगाना है, और ये है हमारा होंडा साइन का बिल्कुल ओरिजिनल। तो इसे हमें यहाँ पे लगाना है, और इसमें एक हमारा लॉक होता है नीचे, और हमने क्लच हाउजिंग जो बनवाया था तो अब क्लच हाउजिंग को लगाना है फिर। तो इसके बीच में एक बूश होता है इस तरीके का, जो कि हमें पीछे की तरफ से लगाना होता है। तो यहाँ पे हमें लगा देना है इसको, और थोड़ा अंदर वाला जो पिनियन होता है उसे हमें थोड़ा पुश करना है, तभी ये अंदर जाएगा। ये वाला जो पिनियन होता है हमारा उसमें अड़ जाता है, जिसके कारण से हमारा हाउजिंग अंदर नहीं पास होता। और यहाँ पे एक वाशर होता है, और इसके बाद हम अब क्लच प्लेट सेटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास हब है, देख सकते हो आप। सबसे पहले हमें एक क्लच प्लेट लगाना है, और प्रेशर प्लेट फिर लगाना है, और इसमें जो धार वाला निशान होता है उसे हमें ऊपर की ओर रखना चाहिए। तो प्रेशर प्लेट हमारा जो क्लच में जितना भी सामान हुआ वो पूरा ओरिजिनल हुआ और नया हुआ, नया डाला हमने। क्लच प्लेट, सेंटर हब, प्रेशर प्लेट। और यहाँ पे एक बिंदी का निशान होता है गाइज, कि जब भी हम सेंटर को लगाएंगे तो अगर आप उल्टा उस बिंदी के निशान में अगर आपका सेंटर नहीं बैठता है तो क्या होगा, हमारा बैठेगा नहीं। तो हम दिखा भी देते हैं आपको किस तरीके से सेटिंग करना है। जैसे आप ऐसे लगाएंगे तो इस तरीके से हमारा लूज रह जाएगा, और अगर हमारा सेटिंग पाएगा तो इस तरीके से हमारा फिनिशिंग हो जाएगा, बैठ जाएगा सही से। अगर हम इस तरीके से लगाता है क्या होता है, हमारा नहीं बैठता है। तो इस तरीके से हमें लगाना है। तो इसमें हमें थोड़ा इंजन ऑयल भी देना चाहिए, हमारा ये सूखा है तो इंजन ऑयल भी हम डालेंगे इसमें। चाहे तो आप पहले डाल सकते हैं या तो लगा के डाल सकते हैं। तो हमारा बैठ गया गाइस, अब हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, और यहाँ से जो हमारा सेंटर होता है उन चीज़ को हम घुमाएंगे। तो हमारा क्या होगा, इंजन ऑयल पूरा क्लच प्लेट में भींग जाएगा। तो हमने नट भी लगा दिया 19 नंबर का, और इसके नीचे जो होता है मोटा वाला वाशर होता है। फिर यहाँ पे हमें चार बोल्ट लगाना है, और स्प्रिंग को जब भी लगाए आप सीधा से हमें बैठाना है, ऐसा नहीं कि हमारा स्प्रिंग टेढ़ा हो गया, उस तरीके से हमें नहीं बैठाना है। अब धीरे धीरे हमें टाइट करना है, और जब भी टाइट करें तो इस प्लेट को हमें ऊपर की ओर इस तरीके से खींच के देख लेना चाहिए हमारा फिनिशिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अब गाइस इसमें हमें बेयरिंग लगाना है, क्लच बेयरिंग, जिसके ज़रिए से हमारा क्लच ऊपर काम करता है। अब हमें इस प्लेट को लगा देना है।
जो हमारा इसके ज़रिए से हमारा क्रैंक में इंजन ऑयल जाता है। और फिर गाइस ये हमारा फिल्टर होता है जो कि हमारा इंजन ऑयल को सप्लाई करके ऊपर हेड पे देता है। अब इसमें हमें पैकिंग लगाना है और उसके बाद क्लच चैम्बर लगाएंगे। तो ये हमारा पैकिंग है, आप देख सकते हैं पैकिंग। गाइस जब भी डालें होंडा साइन की बाइक में तो अच्छे कंपनी का डालें, या तो ओरिजिनल डालें, डुप्लीकेट पैकिंग ना डालें। क्योंकि डुप्लीकेट पैकिंग डालने के बाद क्या होता है, हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है और चिपक जाता है। और जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इंजन ऑयल डाल के, और ये जो हमारा सुराख आप देख पा रहे हैं, तो हमें किक मार के इस तरीके से हमें देख लेना चाहिए कि हमारा इंजन ऑयल ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप 4-5 किक 10 किक मारते हैं तो उसके बाद क्या होगा, हमारा इंजन ऑयल ऊपर तक आ जाएगा। तो जस्ट उसी तरीके से हमारा इंजन ऑयल ऊपर आ रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए गाइज बाइक को अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा बाइक बिल्कुल कंप्लीट है, आप देख सकते हैं, और आवाज़ भी सुन सकते हैं, हम दिखा देते हैं। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था इसीलिए हमने रात में इसे स्टार्ट नहीं किया, सुबह में फिर इसे स्टार्ट किया और गाड़ी को हमने वॉश भी करवाया, अभी देख सकते हैं आप। और अब जो गाइज हमारा आवाज़ है और पिकअप है, बहुत ही लाजवाब पिकअप है और आवाज़ भी बहुत ही अच्छा है। और पिकअप की गाइज अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारा नया बाइक का पिकअप होता है तो उसी तरीके से हमारा इसका भी पिकअप है। तो जब भी हम इंजन बनाते हैं क्या करते हैं, हमें आधा घंटा एक घंटा स्टार्ट करके हमें रखना चाहिए, ताकि हमारा क्या होता है, जो हमारा नया पार्ट से लगता है तो वो चीज़ हमारा सेटिंग पर आए और हमारा फ्री चले। तो इस तरीके से हमें करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में गाइज इतने ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा इस तरीके का वीडियो जितना भी आए तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। तो थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।